आज का सारा माहौल देखेंगे कि आज पहलवान गांव जो बहुत ही टफ पहाड़ी है वो, और वहां पर मुझे पता बताया बच्चों ने, हम तो 6:30-7 बजे यहां आ गए, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गांव, शहर, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, तमाम सभी धर्मों के लोग इस अभियान से जुड़े हैं। जो एक सपना है मेरा कि रिस्पना ऋषि प्रणा में परिवर्तित हो, यानी कि रिस्पना फिर पुनर्जीवित हो, उसमें पानी आए, आज उस संकल्प के साथ ये जनता का संकल्प बन गया है। ये सरकार का संकल्प नहीं है, जो मेरी परिकल्पना थी उसको हम सरकार का कार्यक्रम न बना करके, पार्टी विशेष का प्रोग्राम न बना करके, सभी धर्मों के लोग, संप्रदायों के लोग और आम आदमी इससे साथ जुड़े, आज लोगों ने मेरी अपील को स्वीकार किया है। और मुझे खुशी है कि जब जन सहभागिता किसी कार्यक्रम से जुड़ जाती है, जनता जब किसी कार्यक्रम अपना कार्यक्रम मान लेती है, तो निश्चित रूप से अभियान सफल होता है। एक दिन रिस्पना में पानी आएगा, निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता। स्ट्रेटजी सिंपल है कि जनता इसको अपना कार्यक्रम समझे, जनता को जोड़ने के लिए हमने तमाम जो गांव के लोग हैं, स्कूलों के लोग हैं, तमाम जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उन सबको इससे जोड़ा है। युवा जुड़े इससे, बुजुर्ग जुड़े, महिला पुरुष, सारे भेद छोड़ करके, अपने तकलीफें छोड़ करके, यहाँ पर मैं देख रहा था देवबंद से भी हमारे कुछ मुस्लिम धर्मगुरु आए हैं, रुड़की से आए हैं, तमाम लोग, हमारे लामा लोग यहाँ पर आए हैं, सिख समाज के लोग यहाँ पर, जैन समाज, सभी समाजों के लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब सब लोग एक किसी अभियान से जुड़ जाते हैं तो उसमें सफलता मिलना एक संभव हो जाए। कांवड़ की बैठक आप लेने जा रहे हैं, क्या इस बार कुछ अलग से प्राथमिकता? देखिए, कांवड़ के लिए वैसे तो हम पहले भी जो कुछ सड़कों की मरम्मत का काम होता है, शौचालय बनाने होते हैं, कुछ पानी की व्यवस्था होती है, बिजली की व्यवस्था होती है, वो पहले ही उसमें हमारी व्यवस्थाएं चल रही है, लेकिन आज मैं उसका एक परीक्षण करने जाऊंगा, उसका निरीक्षण करने जाऊंगा कि उस पर किस तरह से काम हो रहा है। प्रदेश भर में सहकारिता चुनाव चल रहे हैं सर, आज और कल में, उसमें पूरा देखिए सहकारिता चुनाव में बहुत उत्साह है लोगों में,